वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन योर ब्यूटी एंड योर स्किन. तो अभी हम बात कर रहे थे कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन्स हैं, आपको कौन से सोर्सेज से विटामिन्स मिल सकते हैं. लेकिन अभी शाजली ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, या अगर आप प्रेगनेंट है, यू कैन कॉल दैट अ बीमारी, बट स्टिल यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ योर बॉडी. तो एग्जैक्टली, तो आपके बाकी जो सारी चीज़ें, तो इस पर विटामिन्स का क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो let's talk a little bit about that. तो अगर आपको let's say you have a disease of some sorts, अगर आपको high blood pressure है, या if you have heart problems or anything of the sort, तो उसमें आपको vitamins से थोड़ा सा careful होना पड़ता है, or is it still the same amount that you need? इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि they should consult their physician first of all. इसलिए कि जो उनका अपना physician है वो ही बता सकता है कि उनको, जिसके पास history है, medical history, knows के उनके साथ क्या क्या problem है. बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को ये भी होता है कि हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन कंटिन्यूसली ऑन मेडिसिन समटाइम्स द ब्लड प्रेशर फॉल्स, इतना लो हो जाता है, तो ये वाले फ्लक्चुएशंस भी होते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिशियन शुड सजेस्ट व्हाट माय विटामिंस, क्या डोज और कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है. और ये तब ये तब बात आती है व्हेन समबडी हैज अ डिजीज और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है. अदरवाइज आई फील के खुद से कभी भी नहीं लेनी चाहिए. फिर भी यू नेवर नो किसमें. अब बास लोगों को देखें, फॉलिक एसिड की वजह से या आयरन के ज़्यादा कंजम्पशन से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. ये कंडीशन अगर सीवियर हो जाएं तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो फिर इस सूरत में इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक प्रॉपर एडवाइस. सिर्फ टेलीविजन पे देख के या सुन के नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट यू नो कि ये चीज़ें. जैसे मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, विटामिन ए, विटामिन सी और एक मिनरल होता है सेलेनियम, इन तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्किन के लिए इतना बेहतरीन होता है कि इफ़ यू अप्लाई इट एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, आउटवर्ड इसकी बिल्कुल, तो रिंकल्स, फाइन लाइंस, क्रो फीट, ये सब चीज़ें, फिर पिगमेंटेशन जो स्किन पे होने लगता है, वो इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बच सकते हैं. लेकिन एवरीथिंग यू हैव टू गो टू अ फिजिशियन फॉर. ये हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि आप खुद हमारे पाकिस्तानी हाउसहोल्ड में तो एक डॉक्टर या दो डॉक्टर्स तो बैठे ही होते हैं. लाइक वी जस्ट थिंक वी अज्यूम दैट वी आर डॉक्टर्स, बट नो, यू शुड गो टू अ प्रॉपर क्लिनिक या हॉस्पिटल पे जाएं, आप थोड़ा स्किन एग्जामिन कराएं एंड ऑल्सो योर बॉडी नीड्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, उनको पता नहीं होता कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट. ये बहुत आपने अच्छी बात कही, क्योंकि देखें जब हम स्किन की बात करते हैं कि बहुत सारी स्किन कोई डर्माटाइटिस है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, किसी और किस्म का है, एक्नी है, ल्यूकोडर्मा है, अब हम हर चीज़ का सोचें कि इसका तो ये फ़ायदा, हम इसको खुद से अप्लाई कर लें, तो वहाँ पर हम गलत हो सकते हैं. दूसरी बात ये कि जैसे डायबिटिक लोग हैं, हमारे पास तो मल्टी विटामिन्स की और बी कॉम्प्लेक्स और इन सब चीज़ों की इतनी वैरायटी है, डिफरेंट तरीक़ों से आती हैं, कोटेड भी होती हैं, बहुत सी शुगर कोटेड भी होती हैं, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि अगर डायबिटिक हैं तो उनको कौन सी लेनी है. अगर बहुत ज़्यादा वेट है और वेट कम करना है तो उसमें भी आपको ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है कि विच मल्टी विटामिंस आर यू टेकिंग, विच बी कॉम्प्लेक्स आर यू टेकिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई रियली होप दैट एवरीबॉडी इज लिसनिंग. बहुत दफ़ा ये होता है कि यू आर टेकिंग बी कॉम्प्लेक्स एंड यू आर पुटिंग ऑन वेट एज वेल, क्योंकि वो यू व्हेन यू डोंट नो कि विच वन इज सूटेबल फॉर यू. इसी तरह किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन दैट केस ऑल्सो वन शुड नो कि क्या लेना है. एग्जैक्टली, तो मैं वही अभी बात करना चाह रही थी कि अक्सर वी गेट दीज टैबलेट्स, वो जो बॉटल में हमें मिल जाती हैं कि आपको ये टैबलेट ले, दिस इज फॉर वुमेन एंड दिस फॉर मेन, कुछ मेन ओवर 50, मतलब एग्जैक्टली, तो एंड यू विल लुक 20 इयर्स यंगर. नॉट ओनली दैट, मतलब ये कहते हैं कि आपकी ये जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, दे ऑल इन दिस वन टैबलेट, राइट? तो बहुत सारे लोग लेते हैं एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल, लेकिन एट वॉट, वहाँ पे एक वार्निंग आई थिंक लिखी भी होती है कि फॉर प्रेगनेंट वुमेन you should be very careful when consuming these. So, आपको कब ख्याल करना पड़ता है about these one a day tablets, जिसमें सारी चीजें condense की होती हैं? कब ख्याल करना पड़ता है? इसे क्या मैं समझी नहीं. मतलब when do you have to be very careful? Is it because of a disease या आपको हमेशा? Of course, that's what we are saying. देखें, अगर आप बिल्कुल healthy हैं, you are not suffering from any disease, कोई ailment नहीं है, किसी किस्म की कोई allergy नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें तो ठीक है, वंस अ डे तो एक रिकमेंडेड डोज होती है कि हर किसी को एक टैबलेट डेली लेनी चाहिए. लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि हाउ टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ, अगर ज़रा सा भी शक है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक एडवाइस. सो आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग विटामिंस फ्रॉम टैबलेट सोर्सेज? साइड इफेक्ट्स, देखें, किसी भी चीज़ की ज्यादती इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो वही बात आ जाती है कि अगर हम साइड इफेक्ट्स उस सूरत में कि अगर डोज तो रेकमेंडेड डोज तो है वन टैबलेट, हम ये सोचें कि हम दो खाएंगे तो बाल ज़्यादा जल्दी लंबे हो जाएंगे, स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी,
इन चीजों में तो फिर दैट्स नॉट ट्रू. तो देयर इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मल्टीविटामिन्स अक्सर लोग ले ही लेते हैं और कहते हैं कि मैंने खाना सही से नहीं खाया लेकिन इट्स ओके मैंने मल्टीविटामिन ले ली. तो इज दैट ऑलराइट और नॉट? एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द एडिक्वेट सप्लाई व्हाट इज रिक्वायर्ड तो ठीक है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है. खाना ठीक से नहीं खाया और मल्टीविटामिन ले ली कुछ सेंस बनता नहीं, क्योंकि खाना जब हम खा रहे हैं तो वो तो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है. और विटामिंस तो विटामिंस हैं, ठीक है, उनको तो हम सप्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं. लेकिन जो लोग ये एक बात कहते हैं जो मैं अक्सर सुनती हूँ काफ़ी घरों में कि आज मुझे बहुत वीकनेस महसूस हो रही थी तो मैंने बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा ली फिर भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये वो चीज़ नहीं होती कि आपने एक दिन खा ली या दो दिन खा ली. वो चीज़ है कि जब आपने लेनी शुरू की तो इसका लेवल बिल्डअप होने में टाइम चाहिए होता है. ये नहीं कि मैं एक हफ्ते से खा रही हूँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने तो दो हफ्ते खा ली मुझे तो कोई असर ही नहीं हुआ. ये वो चीज़ें होती हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, दो तीन महीने में आपको इसका असर नजर आना शुरू होता है. तो आपको विटामिंस किस एज में लेनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए? देखिए बच्चे जब वन ईयर के होते हैं उससे पहले ही आजकल तो उनके बच्चों के लिए भी मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स आते हैं, फिर वन प्लस के लिए डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट होते हैं. तो उसमें कोई एज लिमिट की वो नहीं है. अच्छा. बस ये है कि क्या इंसान को अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए लेनी है, दैट डिपेंड्स. अब विटामिन डी की हम जब बात करते हैं, हमारे यहाँ कराची में स्पेशली ज़्यादातर खवातीन 80% खवातीन विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं इस वक्त. और ये पता कैसे चला कि जो हमारे शहर के जो पॉश इलाके हैं उनमें रहने वाले और जो वो इलाके हैं जो ज़्यादातर जैसे झुग्गियों में रहते हैं या सन से बहुत एक्सपोज्ड हैं उन इलाकों में, तो एक सर्वे हुआ. उस सर्वे में ये पता चला कि जो घरों में जिनको सारी सहूलतें हासिल हैं और एयर कंडीशन कार में भी जा रहे हैं और घर में भी एसी है और बहुत कम सन एक्सपोजर है, उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई. जबकि वो लोग जो खुले आसमान में रह रहे हैं या थोड़ी बहुत है शेल्टर और ज़्यादा वक्त उनका धूप में गुजर रहा है उनमें विटामिन डी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में था. लेकिन हाउ कैन वी काउंट दिस? हम उन्हें बोलें कि दे शुड गेट मोर सन एक्सपोजर डेफिनेटली. यस ऑफ कोर्स. लेकिन ये जो वॉक्स के लिए हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज पे भी जाएं तब भी दे गो एट टाइम्स जब सनसेट हो रहा होता है. जब सनसेट हो रहा होता है तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, द मेन सोर्स ऑफ गेटिंग विटामिन डी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है सबसे पहले आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आपका पॉस्चर बिगड़ेगा, पॉस्चर बिगड़ेगा देन अगेन द फिजिकल ब्यूटी इज बीइंग अफेक्टेड. तो वी जस्ट कांट से कि खाली विटामिन हमें इतना फ़ायदा पहुँचा देंगे. तो मतलब विटामिंस की डेफिशिएंसी का हमें पता होना चाहिए कि अगर हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो फौरी उसके लिए हमें ज़रूरी है. आजकल तो इंजेक्शंस आ रहे हैं और उसका एक कोर्स करते हैं और आपका विटामिन डी का सफिशिएंट अमाउंट आपकी बॉडी में होता है. बट विटामिन डी अगर कम हो तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होता. मैं एग्जैक्टली वही अभी पॉइंट बोलने वाली थी कि ये कैल्शियम की भी बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इनफ कैल्शियम. तो और कैल्शियम की कमी तो आई थिंक अक्सर लोगों में होती है बिकॉज व्हेन दे से कि आप डायरेक्ट फूड सोर्सेज से लें तो अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट ड्रिंक मिल्क और एनीथिंग. जो लोग कम पीते हैं सबसे पहला पहली बात तो ये है कि जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं होती कि जो दूध पीते ही नहीं है उन लोगों में तो कैल्शियम की ज़रूर कमी होती है. और कैल्शियम की टैबलेट्स के बारे में आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ मतलब कॉन्ट्रडिक्टिंग कमेंट्स. कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट्स लेना बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट्स से डिपॉजिट्स हो जाते हैं आपके लिवर में, आपके हार्ट में. मैं यही बात कह रही थी कि विटामिन डी की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो इस बात की है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो दे गो हैंड इन हैंड. यस दे गो हैंड इन हैंड. That is why हमेशा देखा होगा ना कैल्शियम प्लस विटामिन डी हमेशा कॉम्बिनेशन इसका होता है, इसी तरह CAC 1000 जी. लेकिन क्या है प्लस विटामिन डी इसी वजह से, क्योंकि विटामिन डी की अगर कमी होगी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जाहिर है जाके डिपॉजिट होगा. I think that's very very important. अगर आपकी विटामिन डी की कमी है और आप कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे हैं that could be very unhealthy for you. तो शासिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. आप आखिरी मैसेज को एक देना चाहिए और मैसेज यही है कि खाना पीना अपना सही रखें, अच्छी खुराक लें, सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन मल्टीविटामिन्स सप्लीमेंट ज़रूर लें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस. वी आर गोइंग टू गो ऑफ टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. आपका हिम्मत जाएगा. ब्यूटी एंड फिटनेस विल बी राइट बैक.